ये जेट आया, पहले इसका हम फ्रेम निकालते हैं, ये लॉक में है सारा, लॉक बाहर निकालेंगे फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टीरियो के अंदर चार पेंच हैं, दो लेफ्ट साइड में हैं और दो राइट साइड में, तो ये चारों स्क्रू हम खोल के सिस्टम को बाहर निकाल लेंगे। इसमें हमें एंड्रॉयड फिट करना है और एंड्रॉयड फिट करेंगे, इसमें कैमरा लगाएंगे, तो अभी पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसके कपड़े अलग करेंगे, तो आसान है खोलना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसमें फ्रेम बाहर निकालना होता है, उसके बाद ये चार स्क्रू खोलने होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हमारा बाहर आ गया, एक जैक इसमें एंटीना का है, एक स्पीकर और सप्लाई का है, और उसी के अंदर कैन की वायर है जिसमें आपका सप्लाई वाला वायर है, और कैनबस इसमें लगाना पड़ेगा, अगर हम कैनबस नहीं लगाएंगे तो स्टेयरिंग काम नहीं करेगा हमारा, तो कैनबस लगाना ही पड़ता है इस गाड़ी में। ये फ्रेम हमारा दो पार्ट में आता है, एक हमने ये वाला पार्ट इसमें गाड़ी में फिट हो जाएगा और दूसरा पार्ट इसका एंड्रॉयड में लग जाता है, ठीक है। ये चार स्क्रू पे टाइट हो जाएगा और उसके बाद हम जो गाड़ी का ओरिजिनल फ्रेम है वो हम इसमें ऊपर से बिठा देंगे। ये कैनवस है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल फ्रेम है। इस ओरिजिनल फ्रेम को हम इस तरह से ऐसे बिठा देंगे इसको पूरा, ये पूरा फ्रेम बैठ चुका, पूरा लॉक में है ये। दूसरा वाला पार्ट हमने इसका एंड्रॉयड में टाइट कर लिया, दो पार्ट में आता है मैंने बताया था। ये एंटीना का वायर है, इसमें एंटीना जैक लग जाएगा, जैक, ये एंटीना जैक लगा दिया, और इसका हमने माइक यहाँ पर फिट कर दिया रियर व्यू मिरर के पास, ठीक है। ये सारी केबल आ गई इसकी, जीपीएस की, रिवर्स कैमरे की, माइक की। अब एंड्रॉयड लगाते हैं, पहले इनको टाई बेल्ट वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि फिट होने के बाद गाड़ी में थोड़ी फिर आवाज़ आती है, अगर इसको टाई बेल्ट वगैरह या टेप नहीं मारेंगे, इसको टाई बेल्ट मार लेना चाहिए या फिर टेप लगा देनी चाहिए, तो ये पैक कर देंगे तो हिलेगी नहीं तारे अंदर गाड़ी में ना। इसको पूरा टाइट करके कैनवस लगा दिया है, दूसरा वाला पार्ट हमने ये देखो एंड्रॉयड में टाइट कर दिया और उसमें लॉक है, ये जो आप सामने फ्रेम में होल देख रहे होंगे लॉक उसमें फंस जाएंगे, तो पहले सारे कनेक्शन कर लेंगे उसके बाद हम एंड्रॉयड को उसमें बिठा देंगे। ये एंड्रॉयड हमने इसमें बिठा दिया, मोटर जॉय कंपनी का एंड्रॉयड है। अब इसको ऑन करके चेक करते हैं, फिटिंग भी बहुत ठीक आ गई। फुल फ्रेम इसका मिल नहीं पा रहा था तो इसलिए हमने ये हाफ फ्रेम लगा दिया इसके अंदर। सारे फंक्शन काम करेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल काम करेगा, डोर ओपन इंडिकेशन काम करेगा, और आपका जो एसी के बटन है वो भी शो करेगा इसके अंदर। अभी सिस्टम ऑन हो रहा है, रिवर्स कैमरा भी आपको चेक कराऊंगा। ये डोर का आ गया, ये लेफ्ट साइड का डोर खोलते हैं अभी, ये लेफ्ट साइड का डोर दिखा दिया, जो भी डोर खोलेंगे वो डोर इसमें दिखाएगा। अभी ये स्टीयरिंग कंट्रोल चेक करते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल भी प्रॉपर काम कर रहे हैं,
ठीक है, वॉल्यूम माइनस प्लस मोड सब काम कर रहा है। अभी इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा काम, कैमरा हमने इसमें ब्लॉपंग कंपनी का लगाया है, नंबर प्लेट वाला एनपी कैमरा। ठीक है, तो लगभग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका। ये रिवर्स कैमरा देखो आप, स्टीयरिंग कंट्रोल एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ठीक है,